ओबेसिटी मैनेजमेंट्स जो सीरीज है उसके हम दूसरे एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर पीठ के बल लेट करके कैसे हम मोटापा को आराम से दूर कर सकते हैं, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आसानी से आपको चौकी पर या कारपेट पर या योगा मैट पर लेट जाना है। पैर को थोड़ा सा हम खोल के रखेंगे। इसके बाद आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि मोटापा को जितना जल्दी हो सके उतना दूर करिए, यानी जितनी इंच आपकी लंबाई है उतना ही केजी आपका वजन होना चाहिए, यह एक शास्त्र सम्मत प्रमाण है। अब देखिए, अब हम दूसरे एपिसोड में क्या करेंगे कि दाहिने पैर को मोड़ेंगे। दाहिना पैर को घुटना से मोड़ लीजिए, बहुत अच्छा। अब धीरे से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटना के ऊपर रख लीजिए, इस प्रकार से, बहुत सुंदर अभ्यास। अब यहाँ ला करके हमारा माथा जमीन में सटा हुआ है और दोनों हाथ को इंटरलॉक करके हम घुटने के ऊपर रख दिए हैं। अब इसके बाद सांस को भरना है और भरने के बाद हम सांस को छोड़ते हुए अपने नासिका को घुटना में सटाएंगे। इसको 25 बार करेंगे एक तरफ से, 1 2, जितना हो सके उतना ही अभ्यास हम करेंगे। आज पहला दिन है, अभी नाक और घुटने के बीच की दूरी आप देख सकते हैं करीब 5 से 6 इंच की है। ये दूरी क्यों है? क्योंकि पेट में चर्बी है और जो हमारा बेली फैट है वो धीरे धीरे टूटेगा, घटेगा, मेल्ट हो गया, और जब बर्फ की तरह हमारा, जो बर्फ की तरह या मक्खन की तरह जब हमारा चर्बी पिघलने लगेगा तो नाक और घुटने की दूरी कम होती चली जाएगी। बहुत सुंदर अभ्यास। इस अभ्यास को अब दूसरे पैर से करेंगे और दूसरे पैर के करने के साथ ही दो चार बार हम सांस को भर लेंगे, छोड़ लेंगे, थोड़ा सा मन हल्का हो जाए, सांस की गति नॉर्मल हो जाए, तो अब हम बाएं पैर को उठाएंगे। दूसरे पैर को मोड़िए ठीक उसी प्रकार, और बहुत अच्छा अभ्यास। 1 2 3 4, बहुत सरल अभ्यास है। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। मुख्य लाभ है हमें पेट की चर्बी घटानी है, पेट का मोटापा कम करना है, साथ ही साथ थोड़ा सा विश्राम ले लेंगे, बीच बीच में हल्का विश्राम भी हमें लेना है। विश्राम लेने के बाद करना क्या है कि केहूनी को थोड़ा मोड़ेंगे, ठीक, ये अभ्यास है, मोड़ते हुए धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छा, 7। इस अभ्यास को करने से हमारा पेट की चर्बी तो खत्म होगा ही होगा, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। इसको एक एक पैर से हम करेंगे। शुरू में देखिए, आपको 5-5 बार करें, 10-10 बार करें, 15 बार करें या 25 बार करें, जितना आपका शरीर सक्षम है उतना अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास को जब हम कर लें तो थोड़ा सा बीच में विश्राम कर लेंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ करके और दोनों हाथ से पकड़ के और सेम वही क्रिया सांस को 10 बार कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए नासिका को टच करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा। एक बार में 10 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक एक पैर, और उसके बाद दोनों पैरों का अभ्यास। थोड़ा विश्राम कर लेंगे, दोनों हाथ को कमर के पास रखिए नीचे में और आंख बंद करके सांस को भरेंगे छोड़ेंगे।
यानी आज का जो ओबेसिटी मैनेजमेंट का दूसरा एपिसोड हमने पूर्ण किया और इस अभ्यास को हमें नियमित रूप से करना है और पेट की चर्बी बहुत जल्दी घट जाएगी। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे और इस अभ्यास को नियमित रूप से सपरिवार करेंगे, ऐसी हम मंगल कामना या उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।